देखिए मिस्टर सिद्धि, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो जो यू है वो कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड। शाबाश। एक्सेलरेट्स विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्डेशन नहीं है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो +4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कोई डाउट है? नो सर। 4 5 सेकंड्स, तो जो टाइम है वो 5 सेकंड है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स। ओके, तो अब आपके पास 3 इक्वेशंस आए, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 2 AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, वी इज इक्वल टू सॉरी आपको एस चाहिए। अगर ऐसे ही है तो या तो ये इक्वेशन लगेगी या ये इक्वेशन लगेगी। थर्ड इक्वेशन में आपके पास ए है, एस निकालना है, बट वी नहीं है। बट अगर आप सेकंड इक्वेशन देखोगे तो एस आपको निकालना है, यू है, टी है, ए है, टी है, तो प्रेफरेबल है कि आप सेकंड इक्वेशन लगाएं। अच्छा, सेकंड इक्वेशन लगाने का एक और फायदा ये होता है, बिकॉज ये सारे केसेस जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाती है। मिस्टर सिबी, कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये फिर ऐसे शॉर्ट एंड सीट इक्वेशन बन जाती है, एस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, हाफ ए 4 है, टी आपको दिया हुआ सामने 25। तो सिंपल है, 50 मीटर्स। कोई डाउट है मिस्टर सिद्धि? एक बात याद रखनी है, जो कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं या जैसे भी, ये जो इक्वेशंस हैं इसमें हमेशा ये याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ आ रहा। सी, इन ऑल दीज केसेस जहां जहां भी ए लगा हुआ है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। आप नोट कर लो प्लीज, ये वाली जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जिसमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। ये एज अ ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू या कैसे भी आपसे पूछ सकता है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। ये यूजुअली बच्चों को ध्यान नहीं रहता। सो इन ऑल दीज केसेस एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, दैट इज वाई आप जब ये वाला केस लेते हो कि आपके हाथ में बॉल है एंड यू थ्रो इट अप, तो आप उतनी ही हाइट पे इसको फेंकते हैं। याद रखिए, बॉल को आप उतनी ही हाइट पे फेंकते हैं जहां तक एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। सर समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि यू नो इफ दिस इज अर्थ, तो ये जो जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट इज ये जो एग्जाम्पल आप स्टडी करते हो जिसमें बॉल ऊपर फेंकी और बॉल फिर वापस आ गई, दिस इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। फॉर अ सिंपल रीजन दैट लास्ट लेक्चर हमने किया था कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑल्टीट्यूड के साथ वेरी करती है। सर याद नहीं आ रहा? याद है, वेरीज विद ऑल्टीट्यूड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑल्टीट्यूड के साथ वेरी करती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी। तो ये वाले फॉर्मूले, ये वाले तीन फॉर्मूले सिर्फ तभी लगते हैं अगर जो एक्सेलरेशन आप कंसिडर कर रहे हो वो कांस्टेंट है, ये कभी भूलना नहीं। कोई डाउट है सर? नो सर। ग्रेट।